तेजी से बढ़ती जनसंख्या, सीमित होते संसाधन और प्रतिस्पर्धा के फेर में निरंतर व्यस्त होती जिंदगी, घर से ऑफिस के बीच में जितनी भी चीजें आती हैं, चाहे वो स्कूल हो, कॉलेज हो या यूनिवर्सिटी, IIT, IIM, DU, JNU, PU, एम्स, बैंकिंग, SSC, सिविल सर्विसेज, NDA या कुछ और, हर जगह तेज और तेज होती जिंदगी में निरंतर प्रतिस्पर्धा बढ़ रही है। इंजीनियरिंग लाइन से बैंकिंग और बैंकिंग लाइन से SSC, करियर के प्रति गंभीर युवाओं में कहीं भी स्थिरता नहीं, परिवार बिखर रहे हैं, रिश्तों में ठहराव नहीं, एक उम्मीद के इंतजार में राह तकती जिंदगी, कुछ हटकर नए हौसलों के साथ नई ऊंचाइयों की ओर एक कदम बढ़ाएं। इंस्पायरिंग लाइव्स फाउंडेशन के साथ जिंदगी के प्रति नई सोच, नया जज्बा और नए प्रयास, इसी का नाम है इंस्पायरिंग लाइव्स फाउंडेशन। यह फाउंडेशन हरियाणा सोसाइटी एक्ट 2012 के तहत रजिस्टर्ड है। इस फाउंडेशन का मुख्य उद्देश्य मोटिवेशनल सेमिनार आयोजित करना है। हम मोटिवेशन सेमिनार के अतिरिक्त वर्कशॉप लगाते हैं, जिससे युवाओं में नया जोश पैदा हो, साथ ही वो करियर के प्रति गंभीर बने। इस फाउंडेशन का एक और उद्देश्य है, हम लोग लगातार सोशल वेलफेयर के कार्य करते हैं, जिसमें गर्ल चाइल्ड एजुकेशन तथा अन्य सामाजिक मुद्दे शामिल होते हैं। इसमें हम लोगों ने देखा कि आज का जो युवा है वो करियर के प्रति बेहद गंभीर है, वो बहुत कुछ करना चाहता है, उसमें लगन है, उमंग है, ख्वाब हैं, सपने हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो कश्मकश में है कि वो करे तो क्या करे। उसकी कश्मकश को दूर करने के लिए, उसकी सभी चिंताओं को दूर करने के लिए कि वो कहाँ घूम रहा है, इन सभी का निदान करने के लिए इंस्पायरिंग लाइव्स फाउंडेशन का गठन किया गया है। इस फाउंडेशन के साथ डॉक्टर्स, टीचर्स, प्रोफेसर्स और मीडिया कर्मियों की एक बेहतरीन टीम भी है, जो कि टाइम टू टाइम अपना समय निकाल कर इस फाउंडेशन के लिए विशेष योगदान करती रहती है। हमारे साथ जुड़ी हुई है बेहद प्रतिभाशाली मोटिवेशनल स्पीकर आर्य इवा, जो कि हर महीने, हर हफ्ते न केवल मोटिवेशन सेमिनार कंडक्ट करती है बल्कि युवाओं में वो जोश भी पैदा करती है जो कहीं ना कहीं उनके करियर के लिए महत्वपूर्ण है। हमारे साथ दूसरे साथी जुड़े हुए हैं, मीडिया कर्मी साधना न्यूज़, MH1 और इंडिया न्यूज़ में काम कर चुके विकास मलिक जी, जो मीडिया का अपार अनुभव रखते हैं, साथ ही उन्हें गहरी समझ है NGOs की, कि वो एक सोसाइटी को किस हालात में रन किया जा सकता है तथा एक सोसाइटी कैसे युवाओं के लिए बेहतरीन विकल्प उपलब्ध करा सकती है। हमारी टीम में शहर भर से प्रसिद्ध प्रोफेसर्स व अच्छे प्रतिभाशाली डॉक्टर और दूसरे टीचर साथी जुड़े हुए हैं, जो कि इस सोसाइटी के साथ मिलकर लगातार युवाओं में जोश भरते हैं, लगातार समाज में फैली कुरीतियों के खिलाफ कार्य करते हैं तथा लगातार इस सोसाइटी में एक संजीवनी का काम करते हैं, जिससे कि सोसाइटी जो अपना मुख्य उद्देश्य लेकर चल रही है उसके लिए काम कर सके। साथ में हमारे साथ फाउंडेशन में ही हमारे युवा साथी स्नेहित और सतीश के रूप में एक युवा टीम है, जो कि प्रधानमंत्री के डिजिटल इंडिया के सपने को साकार करने के लिए पूरी तरह लगनशील और प्रयासरत है। ये गांव-गांव में जाकर ना केवल युवाओं को प्रेरित करेंगे कि कंप्यूटर लिटरेसी क्या है, डिजिटल लिटरेसी क्या है, कैसे इंटरनेट का सही ढंग से प्रयोग किया जा सकता है, साथ ही उन्हें अवेयर करेंगे कि आज कितना बड़ा रोल है इंटरनेट का आने वाले समय में, अगर वो कंप्यूटर और डिजिटल लिटरेसी में बेहतरीन मुकाम हासिल करना चाहते हैं तो उनके लिए भी हमारे पास इन युवा साथियों की एक बेहतरीन टीम है। Hi there friends, Inspiring Life Foundation. The maximum focus of ILF will be on youth, that is student, government employees and other categories. ILF is the main key of those students who are preparing the SSC and banking and other exams. Without guidance, the youth cannot be progress in future.
ILF is required. So ILF is required for those people. I may good wishes to success of this program, which will continue in future. Inspiring Life Foundation एक बहुत बेहतर तरीके से काम कर रहा है क्योंकि आज के यूथ को इसकी बेहद ज़रूरत है। आज हमारा यूथ बहुत बड़ी संख्या में है दुनिया में, लेकिन इसके बावजूद हमारे सामने बड़ा संकट है एक अच्छे वर्कर का, उनको अच्छे रूप से तैयार करने की। उनमें स्किल है, उस स्किल को बेहतर तरीके से कैसे यूज़ किया जाए ये बेहतर ज़रूरत है। और इसके लिए ज़रूरत है एक मोटिवेशन की, उनको एक प्रेरणा देने की, उनकी उनकी जो टेक्नोलॉजी है, उनका जो स्किल है, उस स्किल को बेहतर तरीके से कैसा उपयोग किया जाए ये बेहद ज़रूरी है। और ये प्लेटफॉर्म उनको बहुत बेहतर मिलने जा रहा है और ये मैं इसकी सराहना ही नहीं कर रहा हूँ बल्कि ये कहना चाहता हूँ कि इस तरह के मोटिवेशन प्रोग्राम हर इंस्टीट्यूशन को अपनाने चाहिए ताकि जो यूथ है वो सही रास्ता देख सके। और आज हमारी जो समस्याएं हैं उसका एक बड़ा कारण है यूथ जो है उसका लेस यूज़ हो रहा है, उसको बेहतर तरीके से यूज़ करने की ज़रूरत है। लोग ये कहते हैं यूजलेस है यूथ, मैं उस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। उसका यूजलेस किया जा रहा है, उसको बेहतर यूज़ करने के लिए ये मोटिवेशन और ये जो प्लेटफॉर्म है बहुत अच्छा मिला हुआ है। और मैं बहुत सारी शुभकामनाएँ देता हूँ, ईश्वर करे ये सफल हो और हमारा यूथ दुनिया में अपना नाम कमाए, ऐसी ढेर सारी शुभकामनाएँ देता हूँ।